नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं 10वीं पास निकली बड़ी भर्ती की। जी हां दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर रिक्रूटमेंट निकाली गई है जो कि ऑल इंडिया की जॉब है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप राजस्थान में रहते हो, महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में, पंजाब में, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर टोटल वैकेंसी है 1054 पदों पर, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगी गई है यहाँ पर। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके जो भी सवाल और डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे इस भर्ती के रिगार्डिंग। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हम आपके लिए और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर आते रहे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके, और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन दिखेगा, इसको भी आप दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आपने वीडियो देख रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंदर वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। एप्लीकेशन मोड सिर्फ ऑनलाइन है। पोस्ट की बात करते हैं तो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जिसमें टोटल वैकेंसी है 1054 पदों पर। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी मेल के लिए ₹50 आवेदन शुल्क है, और यहाँ पर एससी एसटी और एक सर्विसमैन फीमेल के लिए यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। मतलब यहाँ पर एससी एसटी एक सर्विसमैन और महिलाओं के लिए यहाँ पर फ्री में आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर के आपका चालान जमा करके भी आपकी फीस जो है जमा करा सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, यहां पर सिर्फ 10वीं क्लास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास भी हैं और ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप 10वीं बेस पर इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहां पर कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल है। ठीक है, और आयु सीमा में छूट भी है जो कि एससी एसटी और ओबीसी रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आवेदन जो है 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट है इसकी 10 नवंबर आवेदन करने की, और आपकी जो फीस है उसको डिपॉजिट करने की जो डेट है वो है 12 से 13 नवंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट तीनों का लिंक आपको हमारी ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा और हमारी साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे सीधा आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। जो जानकारी हमने आपको दी है वही पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं हर स्टेट वाइज यहां पर वैकेंसी दे रखी है, डिवाइड कर रखी है, कैटेगरी वाइज भी यहां पर पोस्ट डिवाइड है। आप देख सकते हैं यहां पर हर एक स्टेट की आपको वैकेंसी मिल जाएगी, जैसे कि देख सकते हैं अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली, चेन्नई, सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। ठीक है, तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ ले ताकि आपका जो समय और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। इवन यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में भी पता चल जाएगा कि आपको सैलरी क्या मिलेगी, पे ग्रेड क्या रहेगा, कितने सीपीसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5200 से लेकर के 20200 तक की आपको सैलरी दी जाएगी जो कि पे ग्रेड है 2000 का। ठीक है, और यहाँ पर 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एज लिमिट के बारे में साफ साफ बता रखा है कि एससी एसटी को 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है, 10वीं क्लास पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर पोस्ट का नाम दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर आपको आवेदन करने का पूरा प्रोसेस भी इस नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया जाएगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप सीधा ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाएंगे जहां पर आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना होगा। ठीक है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद में चेकबॉक्स को क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपसे लॉगिन का और न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पूछ रहा है, तो आपको यहां पर आवेदन करना है तो नया रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब सिंपली आपको यहां पर इस ऑनलाइन फॉर्म को आपको कंप्लीट भरना है। यहां पर आपको आपकी पूरी डिटेल डालनी है, आपका जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है वो डालना है, ईमेल आईडी डालना है आपका, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में आपकी मैरिटल स्टेटस शो करनी है आपको यहां पर कि आप शादीशुदा हैं या कंवारे हैं। ठीक है, और यहां पर आपको आपकी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एससी एसटी ओबीसी कौन सी कैटेगरी आपकी है। ठीक है, और यहां पर आपको एक सर्विसमैन का सेलेक्ट करना है, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस और अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यस और नो, यहां पर भी आपके सामने यस और नो के ऑप्शन है। उसके बाद में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको कैप्चा कोड दिख रहा होगा ये यहां पर डालना होगा, उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आवेदन करने का प्रोसेस। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई
ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इस भर्ती की जानकारी हो और वो भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाए। और दोस्तों अगर आप जिस भी राज्य में रहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में जो भी भर्ती निकलती है या ऑल ओवर इंडिया की जो भी भर्ती निकलती है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके और घंटी का बेल आइकन दबाएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।